अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं आपका अपना दोस्त आरजे जाट इस वक्त दुबई मॉल में, और एक कमाल की मूवी जो कि मैं कहूँगा जी सोने जी की स्टार कास्ट मेरे साथ है, और पाकिस्तान का वो चमकता धमकता सितारा जिसको देखने के लिए लोगों के दिलों की धड़कने जो है वो धड़क रही होती हैं। आप सबके लिए एक बात कहूँगा, रीमा जी और सिमी जी और आमना जी के लिए, अनम जी के लिए, कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, दुबई वालों का आपको देखे बिना दिन नहीं गुजरता, अब गुजारा कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बहुत कमाल की मूवी थी। रीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जो तुसी ये आगाज़ किया अपने गुफ्तगू का, तो शुड आई रिप्लाई इन उर्दू, इन पंजाबी और इन इंग्लिश, तो मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि तुसी कुड़ियों की तारीफ की, मगर तुम्हें पता है कुड़ियाँ सोनिया क्यों लग रही सन? क्योंकि सारी रोशनी जड़ी है ना इस चन वालों आ रही है, जिन्हों सारे कह रहे सन कि एडा सोना कि दिलों दुआ निकल रही थी कि जीवे सोनिया जी। तो जो परफॉर्मेंसेस मैं देखी है पूरी फिल्म दे अंचर चहल के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जो बाउंड नजर आ रहा था सिमी के साथ वो बहुत कमाल का था, लेकिन एक जगह पे लग रहा था कि एक इमरान का जो लाइफ का शायद रियल सीन है या लाइफ की रियल स्टोरी, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, यही तो होता है ना कमाल, कि आपको बिलीवेबल लगने लगे सब कुछ, यही एक्टर्स की जो है कामयाबी का राज होता है। और अगर आपको ये लगा कि मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ अली परवेज था, तो मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो गया। और कोई ऐसा मोमेंट जो पूरी मूवी का जो आप अभी तक आपने शेयर ना किया अपने फैंस के साथ ड्यूरिंग द शूटिंग? बहुत सारे थे, कभी चोट लगी, कभी पाँव फ्रैक्चर हो गया, कभी कुछ, लेकिन हमने काम नहीं रुकने दिया, और वो इंटेंसिटी और नीयत जो थी वो हमारी मेरा ख्याल है इस फिल्म की एंड पे आपको नजर आई। सिमी जी, क्या कहना चाहेंगे? इमरान के साथ आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया, एक बहुत ब्रिलियंट प्रोजेक्ट, लव स्टोरी और स्पेशल जो मैसेज, झूठ से ज़िंदगी नहीं चलती और अपने ख्वाबों को पूरा करिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छी, मैंने पहली दफ़ा देखी है आज मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे उससे भी अच्छा सबका रिएक्शन लगा, क्योंकि अभी वो जस्ट टेकिंग इट ऑल इन, अभी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ। बहुत अच्छी सब थी, डायलॉग्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, म्यूजिक बेहतरीन, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ करा, और सब तो वड्डी के सारे आर्टिस्ट आंदा एक एडा स्पेशल बॉन्ड स्क्रीन पर नज़र आ रहा सी, और खास तौर पर इन्हों ने जो कॉमेडी कर छी है, एनी डीसेंट मिंटू जी ने, मैं कहनी हाँ कि इन्हों की मैं कितनी तारीफ करा, सीमी की कितनी तारीफ करा, इमरान की कितनी तारीफ करा, तमाम आर्ट अनम की कितनी तारीफ करा, मगर खास तौर पर मिंटू जी, सीमी और इमरान, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, कि आई एम टोटली स्पीचलेस। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इतने खूबसूरत आर्टिस्ट इतनी खूबसूरत फिल्म के अंदर देखकर मेरा दिल खुश हो गया, और मुझे यकीन है कि जैसे मेरा दिल जीता है, ये तमाम की तमाम ऑडियंस का भी दिल जीतेंगे इंशाल्लाह। इमरान, बहुत अरसे के बाद इंडिया का कमबैक किया बॉलीवुड के साथ, सीधा पंजाब की मूवी में हिट मारा, सिमी जी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव हैं दोनों, और आपके साथ तो मेरा कोई सीन नहीं था, सो सैड, बट देख के बहुत अच्छा लगा। आई विश मेरे हम लोगों के कुछ सीन्स होते, बट एनीवेज बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंड आई क्राइड एज वेल आखिर में, तो बहुत एवरीथिंग वाज सो गुड, मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आई मीन भाई जी, बस मैं तो वही कहूँगा कि एक चंगी स्क्रिप्ट साढ़े हिस्से आई, तो असी तिने चार जने आपस कनैक्टड हो गए कि असी दोस्त बने है ना फिल्म तो बाद। हुण मैं ते अली भाई जान जदों भी एक दूजे नूं जफ्फी पाउणे आ तां दो तीन तीन मिनट जफ्फी नहीं छड्डदे, उस तों बाद फिल्म तों बाद किन्नी वारी मिल चुके आ। मेहनत की इस फिल्म पे, और सबकी मेहनत नज़र आ रही थी, सबकी मेहनत नज़र आ रही थी, बहुत मेहनत, बस ये लोगों तक पहुँच जानी चाहिए, इन्ना सोहना सुनेहा, इन्नी प्यार मुहब्बत की गल, मैसेज है, ये जो लव का एक मैसेज है वो सब तक पहुँचना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, और थ्रू, जैसे कि मैंने कहा, थ्रू आर्ट एंड एंटरटेनमेंट वी कैन यू नो मिनिमाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग, तो ये थैंक यू सो मच। मैं अभी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ, बट इमरान के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मैं इनको कभी पहले मिली नहीं थी इस प्रोजेक्ट से, तो मैं सोचती थी, इनकी प्रोफाइल स्टॉक करती थी कि कैसे इंसान होंगे, आप भी स्टॉक करती रही। अरे जब मुझे पता चला कि काम करना साथ में, तो मैंने कहा फिगर आउट करते हैं ज़रा कैसे, पर आई कुडेंट, बट फिर मिल के पता चला कि ही इज़ वन गोल्डन हार्टेड बॉय, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत प्यारे, अपने काम को लेके बहुत डिटर्मिंड एंड पैशनेट, विच आई एब्सोल्युटली लव दिस बॉय। अनम जी, क्या कहना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट डेब्यू, और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छा मैं कैरेक्टर, बिल्कुल अच्छी, सही, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कास्टिंग बहुत सही रियलिस्टिक की है, लाइक पाकिस्तान की लड़की दिखानी थी तो पाकिस्तान की लड़की दिखाई है, और मुझे बहुत मज़ा आया, एवरी वन वॉज़ वेलकमिंग, और मुझे कहीं से ही नहीं लगा कि मैं दूसरी इंडस्ट्री से हूँ, और डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव हैं दोनों, और आपके साथ तो मेरा कोई सीन नहीं था।